सर्वाइकल स्पाइन के जो मसल है हमारे पास वो एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारे पास मौजूद होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन पेन के अंदर मसल्स, कुछ मसल्स हमारे शॉर्ट होते हैं और कुछ मसल्स हमारे वीक होते हैं, और सर्वाइकल स्पाइन की जो हमारी मूवमेंट है वो हमारे 3 एक्सिस पे होती है, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। ये तमाम एक्सिस पे मूव होती है। सर्वाइकल स्पाइन में फ्लेक्शन है, हमारे पास एक्सटेंशन है, साइड बेंडिंग है और रोटेशन है। जब तक मसल्स अगर शॉर्ट है, उन मसल्स की स्ट्रेंथ उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक मसल्स की लेंथ जो है प्रॉपर मेंटेन ना हो जाए। तो सर्वाइकल की मसल्स की स्ट्रेचिंग की कुछ रेपिटेशंस हैं, कुछ एक्सिस पे कुछ उसके पैरामीटर्स हैं, तो वो स्ट्रेचिंग पे आज हम बात करेंगे कि सर्वाइकल मसल्स को किस तरह स्ट्रेच किया जाता है। सबसे पहले तो जो सर्वाइकल की 1 एक्सिस पे जो मूवमेंट है सिंगल एक्सिस पे, वो आपकी नॉर्मल मूवमेंट्स होती है, जिसमें हम बात करते हैं फ्लेक्शन की, हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, और हम बात करते हैं साइड बेंडिंग्स की, और हम बात करते हैं रोटेशंस की। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है उसमें आपने साइड बेंडिंग को जो है वो इम्प्रूव करना है। जब आप साइड बेंडिंग कर रही होंगी तो आपने कोशिश करना है कि शोल्डर को जो है स्टेबलाइज करना है। शोल्डर को होल्ड कर लीजिएगा, आपने बेड की साइड पकड़ लेनी है, चेयर की साइड पकड़ लेनी है, और आपने साइड बेंडिंग करनी है, और साइड बेंडिंग जो है वो आपके पास दोनों साइड पे आपने करनी है। फिर आपने क्या करना है, इस साइड बेंडिंग की एक्सरसाइज को हम डबल एक्सिस पे जो है वो करेंगे, 2D साइड बेंडिंग। इसमें हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर को स्टेबलाइज करके हम साइड बेंडिंग विद फ्लेक्शन करेंगे। इसमें हम क्या होता है, या तो आप पहले फ्लेक्शन कर लें और फिर साइड बेंडिंग कर लें। इसमें गलती क्या होती है कि जब हम फ्लेक्शन के साथ साइड बेंडिंग करते हैं तो साइड बेंडिंग करते हैं फ्लेक्शन को वापस रिवर्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप साइड बेंडिंग करें फ्लेक्शन के साथ तो आपने फ्लैक्स करना है और आपने साइड बेंडिंग करना है, ठीक है। और यही साइड बेंडिंग फिर आपने एक्सटेंशन और साइड बेंडिंग करनी है। फिर हम 3D मूवमेंट की तरफ आएंगे। 3D मूवमेंट्स में यानी 3 ट्रिपल एक्सिस मूवमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि आपने फ्लेक्शन करनी है, साइड बेंडिंग करनी है, और रोटेशन जो है वो आपने सेम साइड पे करनी है। फिर इसी तरह आपने फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग और रोटेशन ऑपोजिट साइड पे करनी है। इसी तरह आपने एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग और रोटेशन सेम साइड पे, फिर एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग और रोटेशन ऑपोजिट साइड पे। यानी अब आपके पास जो मूवमेंट्स है, ये जितनी भी मैंने अभी मूवमेंट्स परफॉर्म की, ये मेरे राइट सर्वाइकल स्पाइन की मसल्स की थी। इन 3D मूवमेंट्स के साथ आप अपने सर्वाइकल के तमाम मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, पोस्टीरियर मसल्स को भी और एंटीरियर मसल। फॉर एग्जांपल, मैं आपको, अगर आपका ट्रेपीजियस टाइट है तो ट्रेपीजियस के लिए हम फ्लेक्शन, ऑपोजिट साइड बेंडिंग और सेम साइड रोटेशन जो है वो ट्रेपीजियस के स्ट्रेच के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही स्ट्रेच अगर हमने लिवेटरस के अप्लाई मसल्स पे देना हो तो हम फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग और ऑपोजिट रोटेशन करते हैं ताकि हम लिवेटरस अप्लाई मसल्स को स्ट्रेच करें। इसी तरह अगर एंटीरियर मसल को हमने स्ट्रेच करना है तो हमने एक्सटेंशन के साथ जो है वो मूवमेंट करनी है। जितने भी स्ट्रेच होंगे वो सारे के सारे जो है वो आपने एक लिमिट के अंदर करने हैं, पेन लिमिट के।